नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़वानी जिले की जनपद पंचायत ठिकरी में शामिल ग्राम पंचायत हरण गांव की। इस पंचायत में शामिल बाड़ीपुरा की जनता को आजादी से लेकर आज तक नहीं मिली है आने जाने के मुख्य मार्ग की सुविधा। आपकी जानकारी के तौर पर बताना चाहेंगे कि बड़वानी जिले में अभी भी ऐसे कई ग्राम पंचायतें हैं जहां आज तक रोड नहीं बना है। वहीं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिन अपने भाषणों में यह कहते रहते हैं कि हमने गाँव को सड़कों से जोड़ा है, किंतु वास्तविकता इसके उलट है। यहाँ के रहवासियों ने हमारे चैनल से बात करते हुए बताया कि हम गांव के मुख्य मार्ग और गांव से सने कीचड़ से परेशान हैं। यहाँ से बरसों से हम निकलने को मजबूर हैं। यही नहीं, इस गांव में ना तो एम्बुलेंस आती है, ना ही प्राइवेट स्कूलों की बसें आ पाती है। आगे उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को भी इस बारे में कई बार अवगत कराया गया है, किंतु उन्हें सिर्फ वोट और नोट से मतलब है, जनता की तकलीफों से कोई भी मतलब नहीं है। आइए आपको वो दिखाते हैं ग्राम पंचायत हरण गांव के बाड़ीपुरा की वास्तविक स्थिति और रूबरू कराते हैं वहां की जनता को होने वाली समस्याओं से। आजादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी एक बांडी ग्राम में एक ऐसी समस्या सामने आई है जहाँ पे एक भी रोड नहीं बना है। एक तरफ से शासन प्रशासन देश की सड़कों पे लाखों रुपए खर्च करता है, वहीं यहाँ की स्थानीय जनता परेशान होकर बोलती है। ना ही उनकी कोई सरपंच सुनता है, ना ही कोई मंत्री सुनता है। आइए हम बात करते हैं ग्रामीणों से और क्या कहते हैं इस बारे में। ना सरपंच मंत्री हमने, ना सुराणा गांव पंचायत के भी सुनते, हरण गांव पंचायत का सरपंच मंत्री भी नहीं सुनते। विधायक जी के पास, बाला बच्चन जी के पास हम करीब से करीब 4 से 5 बार गए। बाला बच्चन जी ने क्या बोला था सर? भैया ये बोला था कि हम आएंगे और कुछ भी आपका सरपंच निकालेंगे हम। अच्छा, तो ये हमें अब 5 साल हो गए। अच्छा, मतलब महोदय साहब ने बताया, विधायक महोदय जी ने बताया, उसका कितना 5 साल समय हो गया है? 5 साल हो गया, और उसके पहले भी गए थे। अच्छा, भाई उन महिला उन दो ऐसा लेके हम अंजड़ भी गए थे, बड़वानी भी गए थे, तहसील में सब दूर गए, वहाँ आवेदन दे के आए, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अच्छा, यहाँ के सरपंच महोदय क्या बोलते हैं? सरपंच महोदय को बोलते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। आपने बात रखी है वहाँ पर? हाँ रखी है ना भैया। क्या समस्या है तुम्हारी? अरे साहब, हमारे यहाँ रोड सब खत्म हो गया। अच्छा। और हमारी उम्र में सब गाड़ियाँ उल्टी पलट हो जाती है और हम तो बहुत परेशान है। अच्छा, तो यहाँ पर कहीं बनवाने के लिए सरपंच मंत्री कहीं बोलते हैं कि कहीं नहीं बोलते? वो बोलते हैं और सब सर्विस कर लेते, पर अब सर्विस कर लेते हैं और फिर वापस नहीं आते। अच्छा, सरपंच मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहे। हम यहाँ कहीं घबरे गए आज। हमका 5 साल हो गया, अभी 7 साल चल रहे बोलते बोलते। बाकी कोई सरपंच ध्यान देते, कोई मंत्री ध्यान देते नहीं, और दुई पंचायत का कोई विधायक मंत्री कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, हम विधायक बाला बच्चन महोदय जगह गया थी, महोदय साहब ने, विधायक साहब ने बोला कि हम तुम्हारा 12 महीना में तुम्हारे समस्या हल कर देंगे। अच्छा। बाकी अभी 6 महीने हो गए, अभी तक वो भी अभी तक यहाँ नहीं आए विधायक महोदय जी। क्या 6 साल हो गए अभी तक आए नहीं? बस अभी आने का बोला तो अभी तक भी वो नहीं आया कि क्या ये चुनाव होने के बाद में आएंगे? क्या वो वोट मांगने आएंगे यहाँ? तो हम वहाँ तक तो मर जाएंगे, यहाँ कैसे जिएंगे? यहाँ पे हमेशा ऐसा कैसा कीचड़ रहता है, ऐसा कीचड़ रहता है। इसका पानी कहाँ से आ रहा है? ये नहर का छोड़ दिया नाले में, नहर का पानी नाले में छोड़ दिया। हाँ, बारिश का भी आता है, जब बारिश होती है तो इससे ज्यादा कीचड़ होता है। तो बारिश में भी कोई यहाँ एक ट्राली मुरुम में डालने के लिए मंजूर होता है? कोई सरपंच आता है, ना मंत्री आता, और दोनों हरण गाँव पंचायत से कोई नहीं आता यहाँ, और सुराणा पंचायत से भी कोई नहीं आता। अच्छा, मतलब आधा गांव सुराणा पंचायत में और आधा गांव हरण गांव पंचायत? हाँ जी सर, आधा गांव सुराणा में पंचायत में और आधा हरण गांव पंचायत। तो दोनों पंचायत के सरपंच मंत्री नहीं आते तुम्हारे यहाँ? कोई नहीं ध्यान दे रहे सर। सर आओ तो सब आओ, पर बाकी कोई बनाओता कर ही लीजिए। अच्छा, अभी चालू करने का अभी आया थी 2-3 महीना पहले। तो क्या हुआ उसका? कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। आई ने बोलेगा बोलने के बाद में कि हम 8 दिन से 10 दिन यहाँ खरंजा चालू कर देंगे। अच्छा, ऐसे बोल के गए। और अंतर सिंह भी आया था, कल्याण भी आया थी,
और सरपंच राजा राम सरपंच भी आए थे। अच्छा। अभी तक वो तीन चार महीना ही का और यशवंत सरपंच भी आए थे। अभी तक यहाँ का कुछ नहीं आया, बोलिन गए वनकुवा बाद में। यशवंत सरपंच ये बोल रहे थे मेरे खाते में 22 लाख है ये हरणगांव पंचायत वाले। अच्छा, 22 लाख किनके खाते में, कौन से पंचायत में? ये हरणगांव पंचायत, हरणगांव पंचायत में 22 लाख। 22 लाख। अच्छा। ये इस नाले के खरंजा, इस नाले के खरंजे के लिए। अच्छा। पंचायत में 18 लाख का बोला था, वो बोले कि मेरे खाते में 18 लाख रुपए है। अच्छा। हम 3 से 4 रोज में बोले काम चालू करवा देंगे। अच्छा। अंतर भैया भी आए थे। अच्छा। बीजेपी वाले। हाँ हाँ। तो जो दो सरपंच भी थे और मंत्री भी थे, 3 से 4 रोज में काम चालू करवाएंगे। अभी तक 4 महीने हो गए। अच्छा। काम हमारे यहाँ चालू हुआ नहीं, देखने भी नहीं आए। अच्छा, ठीक है भैया, मीडिया के माध्यम से जो भी तुम्हारी समस्या है उनका निराकरण करवाने के लिए उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। पैसे, ये पैसे इनके खाते में आए थे, पैसे कहाँ गए इनके पास से, ये तो उनसे जवाब अभी मांगेंगे अपन। नहीं, सही बात है ना भैया, पूरे गाँव आबादी में नहीं ये बोल रहे हैं। अच्छा, हमारी समस्या हमारे गाँव का रोड नहीं बन रहा है। अच्छा। गाँव के रोड के लिए हम कई बार नेताओं के पास भी गए। अच्छा। नेताओं ने हमको आश्वासन भी दिया। अच्छा। लेकिन आश्वासन झूठे पड़े उनके। अच्छा। अभी तक काम नहीं हुआ। गांव में समस्या ऐसी है कि डिलीवरी के लिए कहीं किसी महिला को ले जाते हैं हम। जी हाँ। तो उनको ले जा नहीं पा रहे हम। अच्छा। एम्बुलेंस गांव तक आ नहीं पा रही है। अच्छा। एम्बुलेंस गांव तक आती है तो उनको रास्ते खराब है, जिस कारण वो गांव में नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, मतलब गांव के बाहर एम्बुलेंस खड़ती है और यहाँ से तुम बाइक से ले जाते हो? गांव के खड़ी रहती है, वहाँ से हमको बाइक से ले जाना पड़ता है। अच्छा। और क्या समस्या है? और जैसे हमारा कहीं माल है। हाँ हाँ। कपास हुआ, गेहूँ, मक्का। हाँ। हमको मनवाड़ा तक ले जाना रहता है। अच्छा। तो हमें ले जाने में दिक्कत होती है, बैलगाड़ी से ले जा नहीं सकते। अच्छा। और वाहन भी अगर ज़्यादा लोडिंग हो जाए। अच्छा। तो वो रास्ते में ही कहीं पलट जाए। अच्छा। गड्ढे हो गए रोड में। अच्छा। ये हमारी समस्या है, स्कूल के बच्चों की समस्या है, वो कीचड़ में, बारिश में कीचड़ में। अच्छा। उनके कपड़े गंदे जाते हैं। तो जो रास्ता दिख रहा है कि बारिश में भी ऐसे कैसे रहता है, इससे ज़्यादा रहता है, इससे ज़्यादा रहता है। यहाँ पर आप नया व्यक्ति निकल नहीं सकता यहाँ पर, यहाँ से बारिश के समय, बारिश के समय में। अच्छा। क्योंकि गांव वालों को पता रहता है कि यहाँ पर कहाँ गड्ढा है, कहाँ गड्ढा नहीं है। अच्छा। बारिश के समय में यहाँ पे वो पानी रहता है जो बारिश का पानी रहता है। अच्छा। उसमें दिखता नहीं कि गड्ढे कहाँ है कहाँ नहीं है। गाँव के व्यक्ति को पता रहता है कहाँ से गड्ढे है, वो तो अपने हिसाब से गाड़ी निकाल लेता है, लेकिन नया व्यक्ति इसमें गिर जाता है। अच्छा, ठीक है भैया, मीडिया के माध्यम से जो भी तुम्हारे गांव की समस्या है उसको पूरा करवाने का तुरंत। हमारे गांव के रास्ते तो 3 तरफ से है, सुराना है, सुराना से इधर से आ सकते हैं अपन, मुंडेपुरा से आ सकते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि सही हो, सभी रास्ते खराब है। एक भी सड़क नहीं बंदी है, नहीं बनी है। चारों तरफ से रास्ता है लेकिन चारों तरफ से सड़क कोई भी बनी नहीं है। अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद।